नक्सली के द्वारा किए गए हत्या की जितनी भी निंदा की जाए कम है। नक्सली पहले बम ब्लास्ट करते थे, कैंपों में हमला करते थे, आज उसकी कमर टूट गई है। अब वो कैंपों पर हमला नहीं कर पाते क्योंकि अब हमारे जवान उनके मान में घुस के हमला करते हैं। अब परिस्थिति बदली है, उसके बाद ये सिमट भी गए हैं। अब वो कहीं कहीं जाके चिटकुट अपने अस्तित्व को बताने के लिए वो हत्याएं कर रहे हैं। नक्सली सिमट भी गए हैं, कमज़ोर हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रहे हैं, उनकी पार्टी है, उनका निर्णय है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा इस घटना की यदि जाँच कराने NIA की ज़रूरत है तो हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले जितनी घटनाएं हुई NIA घुस आया, हमसे पूछा भी नहीं, इसमें भी जांच कर लो। जीरम घाटी जाँच क्या हुआ, और उसके पहले जीरम घाटी के घटना घटी जिसमें हमारे प्रथम पंक्ति सारे नेता शहीद हो गए, उसके बारे में NIA की रिपोर्ट क्या है, और इसमें षड्यंत्र नजर आ रहा है रमन सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी, और हमारे प्रथम पंक्ति सारे नेता शहीद हो गए, और हम लोग चीख चीख के कह रहे हैं इसमें ये राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है, तब वो मौन रहे, और आज इसमें उनको षड्यंत्र नजर आ रहा है, बिल्कुल जांच कराए, सेंट्रल एजेंसी कौन रोक रहा है, जांच कराए ना। लेकिन अब वो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, यही रमन सिंह जी कहते हैं इसमें राजनीतिक चश्मा से नहीं देखना चाहिए, सैकड़ों बयान होंगे उसके, और आज खुद आंदोलन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं फिर बताने, क्या मतलब।